नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं TBM टॉप ब्लॉग मेनिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऑन पेज टिप्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी टॉप 5 टिप्स बताए थे और उसके अलावा ये टॉप 5 टिप्स है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे पहला टिप्स है URL स्ट्रक्चर, URL लेंथ। दोस्तों, आपने जो भी कीवर्ड सर्च किए होंगे गूगल पे और जो 1 to top 10 में रिजल्ट आया होगा, उसका URL आपने कभी देखा है कितने कैरेक्टर्स में होते हैं? दोस्तों, उसका URL जो कैरेक्टर्स होता है, जो टॉप 10 रिजल्ट्स का URL कैरेक्टर होता है, 50 to 55 कैरेक्टर में आता है। तो मेरा सबसे पहला टिप्स है कि कभी भी आप कोई भी ब्लॉग का URL रखो तो उसको 50 to 55 कैरेक्टर के बीच में रखो दोस्तों, क्योंकि 1 to top 10 में जो भी रिजल्ट आता है वो 50 to 55 कैरेक्टर के बीच में ही, 1 to top 4 में, top 5 में जो रिजल्ट आता है, 1 to top 6 में जो रिजल्ट आता है वो 50 to 55 कैरेक्टर के बीच में ही आता है। तो आप अगर अपने कीवर्ड पे 1 to top 6, top 7, top 5, top 4 पे रिजल्ट लाना चाहते हो तो सबसे पहला टिप्स है कि ये अपने कैरेक्टर्स, अपने URL कैरेक्टर को 50 to 55 कैरेक्टर के अंदर में रखो। आप अपने वेबसाइट के URL में डेट डालना कभी मत यूज करना, डेट का यूज कभी मत करो वेबसाइट URL में, क्योंकि डेट का यूज करने का मतलब आप उस पर्टिकुलर ब्लॉग को डेट वाइज स्पेसिफाई कर दे रहे हो। मतलब आप उसको यह कह दे रहे हो कि ये ब्लॉग इतना पुराना है, मतलब आप उसके बाद उस ब्लॉग को अगर 2 साल के बाद वो ब्लॉग रैंक करता है तो, और उस पर कोई यूजर आता है, वो आपके URL को देखेगा तो वो रेलेवेंट नहीं होगा और URL चला जाएगा, मतलब यूजर चला जाएगा। इट मीन्स इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी URL में डेट को यूज मत करो। URL क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, उसको आप उसमें एम्परसेंट या कोई अलग अलग साइन जो होता है वो यूज करना छोड़ दो, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप URL में मत यूज करो, क्योंकि जब भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करोगे तो वो URL बड़ा होगा। दोस्तों, मैंने एक टिप्स ऑफ URL के लिए करके एक स्लाइड बनाया, उस पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला टिप्स है, आप हमेशा हाइफन यूज करो। अगर URL बड़ा है तो उसके बीच में हाइफन का यूज कर सकते हो, हमेशा लोअर कैरेक्टर में आप अपने URL को यूज करो। स्पेशल कैरेक्टर्स जो है उसको अवॉइड करो यूज करना, एम्परसेंट एंड डॉलर साइन जो है ये सब अवॉइड करो यूज करना, और 2 फोल्डर से ज़्यादा आप यूज मत करो URL को। और कभी भी अगेन डेट को यूज मत करो URL में, URL में डेट यूज करना अवॉइड करो, क्योंकि डेट स्पेसिफिक मतलब आप उस ब्लॉग को पर्टिकुलर डेट के लिए स्पेसिफिक कर दे रहे हो, बाद में कोई यूजर आता है तो वो ओल्ड बन जाता है आपका वेबसाइट ब्लॉग, यूजर उसको रेलेवेंट नहीं मानेगा और यूजर बाउंस बैक चला जाएगा। तो CTR आपका क्या होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, अगर वो रैंक ब्लॉक कर भी जाता है तो CTR लो हो जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डेट कभी भी आप अपने ब्लॉग पे मत, ब्लॉग के URL में मत स्पेसिफाई करो। दोस्तों, उसके साथ साथ ब्लॉग को कीवर्ड स्पेसिफिक अगर बनाना है तो छोटा रखना। दूसरा क्या है, कंटेंट रीडेबिलिटी। वेबसाइट का कंटेंट मैंने, आप राइट साइड में देख सकते हो, मैंने एक इमेज डाला है बिफोर एंड आफ्टर का। तो पहले जो ये ऑफिस एड्रेसेस हैं बिफोर और आफ्टर करके, आप बिफोर में आप देख सकते हो कि ऑफिसेज एड्रेस कैसे थे और आफ्टर में ये पैराग्राफ वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह देने के बाद कैसे हो गए। ये रिलेवेंटी मतलब कि रीडेबिलिटी है कि वो कंटेंट कितना आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर आपके पास अलग अलग एड्रेसेस हैं और उसको इस तरीके से आप पॉइंटर वाइज या सब हेडिंग वाइज आप लिखते हो तो वो क्लियरली रीडेबल होता है दोस्तों। इसीलिए क्लियरली रीडेबल कंटेंट जो है वो आसानी से पढ़ा जा सकता है और आपके यूजर्स जो हैं वो उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आगे हम देख सकते हैं कि CTA, तो जो भी कंटेंट आप लिखो उसमें 100 वर्ड्स के बाद का CTA डालना। आप पहला फर्स्ट 100 पैराग्राफ जो है वो रिलेवेंट कंटेंट का समरी होना चाहिए।
मतलब आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसके बारे में एक समरी लिखो, एक सबसे पहले एक डिटेल लिखो कि अबाउट दैट कंटेंट, सो दैट यूजर उस कंटेंट से इंगेज हो, क्योंकि यूजर आता है तो सबसे पहला 100 वर्ड्स का जो पैराग्राफ होता है, फर्स्ट पैराग्राफ उसको पढ़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है तभी वो आगे आपके कंटेंट को पढ़ता है, अदरवाइज वो कंटेंट को छोड़ के चला जाएगा। तो फर्स्ट 100 पैराग्राफ में आप कंटेंट के बारे में क्या आगे इस ब्लॉग पे लिख रहा है उसको डिटेल में आप समझाने की कोशिश करो। उसके बाद CTA डालो, उसके बाद आप इमेजेस वगैरह आप डाल सकते हो उस कंटेंट में। इमेजेस रिलेवेंट होना चाहिए और इमेजेस में ऑल टैग जो है और उसको आप प्रॉपर इमेज नेम के साथ ऑल टैग डाल सकते हो, जिससे कि आपके ब्लॉग का जब रैंकिंग आएगा तो इमेज में भी रैंकिंग आएगा और इमेज रैंकिंग से भी आपके पास बहुत सारे विजिटर्स आएंगे। उसके साथ साथ आप उस ब्लॉग पे कोट्स वगैरह डाल सकते हो, कोट्स दूसरे का कोट्स, मतलब आप कहीं कहीं से बहुत बार क्या होता है ब्लॉग में कोट्स डालते हो तो आप कोट्स को हाईलाइट नहीं करते हो, तो दूसरे का कोट्स किसी का भी कोट्स डालते हो तो उसको हाईलाइट करो और प्रॉपर वे में उसको शो करो। उसके साथ साथ क्या है कि लिंक का साइटेशन, अगर आप कहीं और से लिंक लेते हो दोस्तों तो लिंक के साइटेशन को यूज करना ना भूलें, हमेशा ही लिंक साइटेशन यूज करो। मतलब आप दूसरे ब्लॉग से रेफरेंस अगर लेते हो तो उसका आप रेफरेंस लिंक दो और उसका साइटेशन डालो, उसके बारे में लिखो कि इस पर्टिकुलर प्लेसेस से आपने लिया है, उसको आप क्रेडिट दो। उसके साथ साथ क्या है कि ग्रामर आपका प्रॉपर होना चाहिए दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ब्लॉग पे थीसिस अगर लिख रहे हो तो उतना परफेक्ट ग्रामर होना चाहिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आसानी से समझ में आ सकने वाला ब्लॉग होना चाहिए। आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो उसके लैंग्वेज के अनुसार आप देखोगे उसको प्रॉपर वे में समझ में आए यूजर्स को, वैसे लिखो आप। इस आसान लैंग्वेज में लिखना, ना कि बहुत ही टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करो दोस्तों। अब क्या है बुलेट्स पॉइंट्स, तो कंटेंट में बुलेट्स पॉइंट्स जो है हमेशा ही यूज करो। बुलेट्स पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वी शेप स्ट्रक्चर कंटेंट लिख सकते हो, वहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स को फिर डिफाइन कर सकते हो, जिससे कि आपका रैंकिंग जो है आंसर स्निपेट में भी आएगा। जब भी आंसर स्निपेट आप देख सकते हो वहाँ पे रैंकिंग आएगा और उससे CTR आपका बढ़ेगा दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कंटेंट रीडेबिलिटी के लिए। थर्ड है वीडियो कंटेंट। दोस्तों कभी भी आप अपने ब्लॉग पे वीडियो कंटेंट डालना ना भूले दोस्तों। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास कैपेबिलिटीज है तो आप वीडियो कंटेंट को अपने ब्लॉग पे यूज करो। वीडियो कंटेंट आपके ब्लॉग पे यूज करने के बाद आप उस पे देखोगे बहुत ज़्यादा CTR आपका उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जिस पे रैंक कर रहा है वो ब्लॉग, CTR अचानक बढ़ जाएगा। क्योंकि कंटेंट, वीडियो कंटेंट क्या होता है, वो क्रेडिबिलिटी आपके कंटेंट का दिखाता है, कि बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपका दिखाता है और उससे कि आपके यूजर्स जो है रिलेवेंट यूजर्स आपके कंटेंट पे आएंगे और उसी में आप CTA वगैरह भी डाल सकते हो दोस्तों। अब आगे क्या है, आगे है LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। दोस्तों लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग क्या होता है, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो और उससे रिलेवेंट जो कीवर्ड्स आपके SERP पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो दिखाता है उस कीवर्ड को आप अपने ब्लॉग वगैरह पे यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका CTR बढ़ेगा दोस्तों और उसके साथ साथ आपके कंटेंट पे रिलेवेंट यूजर्स आएंगे, आपका कंटेंट बहुत ही इंगेजिंग कंटेंट बनेगा और आपके कंटेंट पे विजिटर्स बढ़ेंगे। तो LSI का यूज आप कर सकते हो दोस्तों। LSI से आपके कंटेंट का CTR बढ़ेगा और यूजर्स आपके बढ़ेंगे दोस्तों। फैक्टर है सोशल मीडिया शेयरिंग। सोशल शेयरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ऑन पेज के लिए। जब भी आप ऑन पेज पे कोई ब्लॉग वगैरह कोई लिखते हो और ऑन पेज उस पर फिक्स करते हो SEO ऑन पेज, तो सोशल मीडिया शेयरिंग का भी ध्यान रखना। सोशल शेयरिंग उसमें बटन जरूर ऐड करना, जिससे कि क्रेडिबिलिटी आपके कंटेंट का लगेगा। आप खुद भी देख सकते हो कि अगर आपके ब्लॉग पे 100, 1500 और 600 शेयरिंग होता है तो दूसरे यूजर्स जो आपके ब्लॉग पे आते हैं वो क्या बोलेंगे, वो बहुत ही सोचेंगे कि ये कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इसमें है। इसीलिए सोशल शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इससे आपके कॉन्टेंट का स्ट्रेंथ भी
बढ़ता है, तो सोशल शेयरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दोस्तों ये पांच टिप्स है जो टिप्स आपको मैंने अभी बताए, और पहले वीडियोस में भी मैंने आपको पांच और टिप्स बताए थे, तो ये 10 टिप्स अगर आप अपने ब्लॉग पे अप्लाई करोगे आपके ब्लॉग का विजिटर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और CTR भी बढ़ेगा, जिससे कि आपके ब्लॉग पे विजिटर्स और CTR बढ़ेंगे तो आपके ब्लॉग का जो एडसेंस का अर्निंग है वो भी बढ़ेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।